मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैन स्थानक भवन कोहेफिजा में महासती कुमुदलता जी के चातुर्मास कार्यक्रम को संबोधित किया। और विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत और नैतिक मतदान के उपायों के संबंध में स्वीप नोडल अधिकारियों की बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में संपन्न हुई। नमस्कार, एमपी लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और आइए खबरें देखें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समाज में बेटियों के प्रति सोच बदलने में संत समाज महत्वपूर्ण सहयोग कर सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यहां जैन स्थानक भवन कोहेफिजा में महासती कुमुदलता जी के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी उपस्थित थे। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की जन्मशति पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में कहा है कि वे ब्रिगेडियर उस्मान की देशभक्ति को सलाम करते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान ने भारत पाक विभाजन अवसर पर पाकिस्तानी सेना में शामिल होने से इनकार कर दिया था। वे बाद में कश्मीर में घुसपैठियों के साथ संघर्ष करते हुए शहीद हो गए थे। भोपाल जिले में एलपीजी सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के शुरू करने के संबंध में आज एक जरूरी बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में स्टेट नोडल ऑफिसर राकेश मुंशी, सीईओ जिला पंचायत और जिला नोडल अधिकारी राकेश श्रीवास्तव, जिला आपूर्ति अधिकारी एचएस परमार, इंडियन ऑयल के बीजी ग्रुप और गैस एजेंसीज के संचालक आदि लोग मौजूद थे। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के संबंध में स्वीप नोडल अधिकारियों की बैठक आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में हुई। बैठक में अधिक मतदान के साथ ही नैतिक मतदान करवाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के संबंध में अधिकारियों से सुझाव लिए गए। थाने पर आने वाले हर पीड़ित की एफआईआर दर्ज करें। गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता ने ये निर्देश दतिया में पुलिस अधिकारियों की बैठक में दिए। गृहमंत्री ने कहा कि पुलिस अधिकारी निष्पक्षता से कार्य कर पीड़ित को न्याय दिलवाएं। उन्होंने लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि प्रबुद्ध नागरिकों को थाने में बुलाकर क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में चर्चा भी करें। सभी जिला कार्यालय प्रमुख, उनके कार्यालय में पदस्थ अधिकारी, कर्मचारियों की सूची, मतदाता पहचान पत्र क्रमांक के साथ कलेक्टर कार्यालय की निर्वाचन शाखा में अगले दो दिन में पहुंचाए। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारी स्वयं उपस्थित होकर बताएंगे कि उन्होंने सूची क्यों नहीं भेजी। कलेक्टर निशांत वरबड़े ने आज टीएल बैठक में अधिकारियों से ये बात कही। एमपी लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए एमएसटीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।